सत्यभामा ने जब पूछा द्रौपदी से कैसे संतुष्ट रखती हो पांचों पतियों को। एक दिन की बात है, पांडव और संत लोग आश्रम में बैठे थे, वहीं पर द्रौपदी और सत्यभामा भी बैठी थी और आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन तुम्हारे पति पांडव जन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं, तुमसे संतुष्ट रहते हैं, तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहें। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा ये तुम मुझसे कैसी दुराचारिणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो, जब पति को ऐसा मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती हैं। उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ, बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती हूँ, पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता मनुष्य सजा धजा या रूपवान कैसा भी पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता, उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना मैं स्वयं नहीं बैठती, जब जब मेरे पति घर में आते हैं मैं घर साफ सुथरा रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ, घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ, मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ, पति के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं, साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं मैं सभी का पालन करती हूँ और सदा धर्म की शरण में रहती हूँ।